लोग जब स्कूटर लेने के लिए निकलते हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि एक पेट्रोल ले या फिर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले। तो आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आ चुके हैं। मेरे पास यहाँ पर जुपिटर खड़ी हुई है 110 जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुई है और यहाँ पर TVS का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा हुआ है। आज इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कौन सा बेटर है। और हाँ, ये भी बात करेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो आइए ज्यादा समय खराब न करते हुए बात करते हैं जुपिटर और iQube की। अच्छा, दोनों के फ्रंट को कंपेयर करते हैं तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो पेट्रोल वाली खड़ी है यहाँ पर अपने को जैसे देख सकते हो कनेक्टेड DRL देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि बेसिकली EVish लुक देती हैं इस पेट्रोल स्कूटर को। आप देख सकते हो यहाँ पर अपने को कंप्लीट ये वाइट मिल जाती है, और जैसे इसके इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो ये भी LED मिल जाते हैं इसके अंदर। तो कुछ इस तरह यहाँ पर अपने को कंप्लीट लुक मिलने वाला है। और लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो हज़ार लाइट ऑन हो जाती है इसके अंदर, यहाँ देख सकते हो पीछे की भी हज़ार लाइट ऑन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह यहाँ पे लुक मिल जाता है इसका। अब जैसे ही हम यहाँ इलेक्ट्रिक वाली को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने को कंप्लीट LED का सेटअप मिलता है। हाँ, यहाँ पर ये LED है, ये बेसिकली स्टार्ट करने से ऑन होती है, ये आप देख सकते हो हाई बीम लो बीम कुछ इस तरह है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये ऊपर की तरफ अपने को DRL मिल जाती है यहाँ पे कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पर अपने को ये कंप्लीट LED का सेटअप मिलता है, और जैसे इसके इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो ये भी LED मिलते हैं और यहाँ पर अपने को कंप्लीट LED देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि मतलब पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के अंदर ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन इंजन का और बैटरी का तो डिफरेंस है ही है। तो इसके इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को जो टॉर्क मिलता है 9.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है, वो विदाउट असिस्ट है। इसके अंदर iGo असिस्ट का भी सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर अपने को 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा पेट्रोल के साथ। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी की, 2.2 किलोवाट आर की यहाँ पर बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। मोटर की बात करता हूँ, 4.4 किलोवाट आर की यहाँ पर मोटर देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरह। अब यहाँ पर जैसे लुक्स को भी कंपेयर कर लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हो कम्प्लीटली कुछ इस तरह यहाँ ग्लोसी पियानो देखने के लिए मिल जाता है। iQube है तो यहाँ पे iQube का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपने को प्लास्टिक मिलता है इलेक्ट्रिक के अंदर, बट अगर आप पेट्रोल की बात करते हो ये अपने को मेटल मिलता है, प्लास्टिक यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। तो अगेन यहाँ पर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल है, ये भी और ये भी प्लास्टिक का इस्तेमाल है इसके अंदर। यूजली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक के अंदर प्लास्टिक ही यूज होती है, लेकिन हाई क्वालिटी प्लास्टिक यूज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों के सिटिंग पोस्चर की। जैसे मैं इलेक्ट्रिक पे बैठता हूँ तो मेरी हाइट 5'7" है, और आप देख सकते हो मुझे कंफर्टेबली यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ मैं, और मतलब जैसे पैर भी अच्छी तरह टिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो दोनों का जो सिटिंग पोस्चर है लगभग सेम सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा सा हाई इसका लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह सिटिंग पोस्चर रहने वाला है। अब दोनों की बूट की बात करते हैं, तो इसका बूट अगर हमें ओपन करना है तो की बाहर नहीं निकालनी है, इसे इसको घुमाना है और ये बूट ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पर iQube के अंदर की कुछ इस तरह निकालनी है, रेट्रोग्रेसिव है बेसिकली, इसको यहाँ लगाना है, ये बूट ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बूट स्पेस कुछ इस तरह इसके अंदर मिलता है अपने को, स्पेस वगैरह कुछ यहाँ पे इस तरह मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अपने को एक USB पोर्ट मिल जाता है जो कि मतलब चार्जिंग वगैरह के लिए, ठीक है, ये OBD पोर्ट है बेसिकली यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर हम करेंगे बंद। और बूट यहाँ पर जुपिटर के अंदर तो बहुत ही बड़ा बूट मिल जाता है, यहाँ आप देख सकते हो दो दो हेलमेट की जगह ऑब्वियसली मिलती है, और जुपिटर में TVS ने काफ़ी हाईलाइट किया था इस चीज़ को। अब यहाँ पे इसके फ्लोर बोर्ड की बात करते हैं तो जैसे आप देख सकते हो दोनों का लगभग स्पेस सेम ही मिलने वाला है। चार्जिंग के लिए यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है इसके यहाँ पे iQube के अंदर कुछ इस तरह, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्वियसली अगर आपको फ्यूल डलवाना है तो यहाँ पर फ्यूल कुछ इस तरह फ्यूल लिड ओपन हो जाता है और इसको बंद कर सकते हो। फ्यूल टैंक यहाँ पे इस बोर्ड के नीचे अपने को मिल जाता है। तो किस साइड की बात करते हैं तो जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ से
साइड कुछ इस तरह अपने को मिलने वाली है। यहाँ पर सीट ऑब्वियसली ये ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू दैट, और ज़्यादा स्पेस इसके नीचे भी मिलता है अपने को, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेटल वगैरह मिल जाता है, ये मेटल है, ये प्लास्टिक है और ये मेटल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हब मोटर मिलती है बेसिकली इस स्कूटर के अंदर, PMS मोटर देखने के लिए नहीं मिलती। अब जैसे रियर की बात करते हैं तो एक बार दोनों का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो रियर में आप देख सकते हो कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर पर्सनली अगर बताऊँ तो यहाँ पर अपने को कनेक्टेड लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, हालांकि LED है, आप देख सकते हो। इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंडिकेटर्स ऑन होके मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हो तो पेट्रोल वाली का इंडिकेटर, दोनों में ही अपने को LED देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, दोनों के अंदर एक फीचर मिलता है, हज़ार लाइट का फीचर दोनों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह है, तो ये चीज़ अच्छी है, मतलब सेफ्टी फीचर में काउंट होता है ये। इन दोनों का अब मीटर भी देखते हैं कैसा है भाई। तो यहाँ पर अपने को कंप्लीट डिजिटल देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रिप ए ट्रिप बी बटन यहाँ मिल जाते हैं, मोड वगैरह, ओडोमीटर, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह सारे यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। बटन्स की बात करते हैं तो ये आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए, ये स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट भी सुना देता हूँ आपको, ये 110 का एग्जॉस्ट है, और इसके अंदर तो एग्जॉस्ट ही नहीं आता इलेक्ट्रिक, इसके अंदर तो आवाज़ ही नहीं मिलेगी आपको। अब इसके मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को कंप्लीट डिजिटल देखने के लिए मिलता है, हालांकि डिजिटल उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर अपने को स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए ये आप देख सकते हो इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इसको मतलब डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी यूज़ करते हो तो आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, इंटरफेस सेम रहने वाला है, इंटरफेस इसका चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर जैसे अगर आप इसको इस बटन के थ्रू मोड के बटन, यहाँ पे बेसिकली मोड है, ये मोड बटन है, तो यहाँ पे जैसे भी ईको में है, इसको दबाएंगे पावर में आ जाती है, ठीक है। रीजन ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ इस तरह, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर जब इसको फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो यहाँ कनेक्ट लिखा आ जाएगा, और यहाँ पर अपने को जैसे बैटरी है और ये फ़ोन है, या फिर अपने को SMS है या सिग्नल है, वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे, और यहाँ छोटा सा मैप बन के आ जाएगा, और आपको मतलब कन्वीनियंट रहेगा। जैसे बहुत बार क्या होता है स्कूटर के अंदर, आप जैसे या तो एक माउंट लगवाओ फ़ोन वाला, उसमें दिक्कत होती है, फ़ोन बहुत बार गिर भी सकता है, तो या फिर हाथ में आप पकड़ सकते नहीं हो, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। आप मतलब जैसे चलते चलते अपने आप मैप देख सकते हो, तो ये चीज़ है। और ये पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी है, स्क्रीन लग रही है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, शार्पनेस अच्छी है, इसके अंदर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। एक चीज़ और है, अगर आप इसको अपना बनाना चाहते हो या उसकी डिलीवरी जल्दी चाहते हो तो टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और आप इन दोनों को बुक कर सकते हो, या TVS का कोई भी प्रोडक्ट आप उस नंबर पे कॉल करके आप अपना बना सकते हो। एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पॉकेट मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पर USB चार्जर मिलता है, जो कि iQube में यहाँ पर मिसिंग रहने वाला है। यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्जर नहीं है iQube के अंदर, ये दोनों ही चीज़ें मिसिंग रहने वाली है। जैसे USB चार्जर नहीं मिलेगा, पॉकेट नहीं मिलेगी, चार्जर अगर आपको यहाँ पर अंदर की तरफ मिलता है, लेकिन बाहर की तरफ ओपन चार्जर यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। तो गाइज ये थी एक वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अमेजिंग वीडियोज हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय गाइज।